कैसी है पहेली आए, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ प्रीतेश पंचाल और आज हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में। ये जिंदगी आखिर है क्या दोस्तों? जिंदगी क्या लगता है, हकीकत में कोई पहेली है? ये गाना आप लोगों को याद है दोस्तों? कौन सी फिल्म का है? गाना तो शायद आप लोगों को होगा ही याद। ये कौन सी फिल्म का है? ये गाना है आनंद फिल्म का। आनंद फिल्म जो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन था, और राजेश खन्ना पर ये फिल्म फिल्माया गया है, और इसके जो गीतकार है वो भी लोग आप सभी को याद होंगे, लेकिन इसका जो लिखने वाला है, गीत का जो लिखाई करने वाला है, लिरिक्स जिसने बनाया है, वो शायद आप में से किसी को याद नहीं होगा। याद है? नहीं लगता है मुझे याद है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है जो बहुत इंटरेस्ट लेवल उनका सॉन्ग में या लिखाई में ज़्यादा होता है। ये सॉन्ग जो लिखा है वो योगेश जी ने लिखा है, गीतकार जो इसके है योगेश जी है, और योगेश जी ने इतने बढ़िया वर्ड्स लिखे हैं, क्या थिंकिंग करी होगी दोस्तों? क्या आपको लगता है कि ये जिंदगी एक पहेली है? क्या कभी सोचा है आपने जिंदगी के बारे में कि जिंदगी आखिर है क्या? क्या यहाँ पर आकर रुपए पैसे भरने और गाड़ियाँ बंगला लेने के लिए जिंदगी मिली है, या जिंदगी भर तक हम EMI भरते रहे, यही हमारी जिंदगी है? आखिर है क्या जिंदगी? अगर आप जानते हैं है क्या जिंदगी, तो कुछ ना कुछ कमेंट करिए। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी मतलब मेरे हिसाब से जो जिंदगी की डेफिनेशन है वो मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों उसको सुनिएगा जरूर, पूरा वीडियो ध्यान तक अंत तक देखिए, तभी कुछ आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे जिंदगी क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। स्टोरी है एक अमीर घराने की औरत एक मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास आती है, जो उसको अभी लेटेस्ट भाषा में हम साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे या फिर दिमाग का डॉक्टर समझ लो, उसके पास आती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है बंगला है और दुनिया में क्या कुछ नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन वो बोलता है ना कि मेरे पास गाड़ी है बंगला है, तो सामने वाला बोलता है कि मेरे पास तो माँ है। तो इसके पास यही माँ मतलब खुशी नहीं, वो बोलती है मेरे पास सब कुछ है साहब, लेकिन मेरे पास खुशी माँ नहीं है, खुशी है ही नहीं। तो खुशी मेरे जिंदगी में कैसे आएगी? मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, सब कुछ होते हुए अभी मैं खुश नहीं रह पा रही। और डॉक्टर एक छोटी सी मुस्कान उसको देता है और डोरबेल बजाता है और प्यून को बुलाने के लिए। प्यून झट से आता है और प्यून को बोलते हैं कि जो लेडी हमारे वहाँ साफ सफाई का काम करती है उनको आप अंदर लेकर के आओ। प्यून झट से जाकर के वो साफ सफाई वाली जो आंटी होती है उनको लेकर के आते हैं। एक थोड़ी सी ज़्यादा उम्र वाली औरत अंदर आती है और डॉक्टर के सामने खड़ी रहती है। बोलते हैं डॉक्टर साहब बोलिए क्या है? डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या आप अपनी लाइफ से खुश है? तो बोलते हैं हाँ साहब मैं तो बहुत खुश हूँ, मुस्कुरा करके जवाब देती है। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि अगर आप खुश है तो आपकी खुशी का रहस्य क्या आप इनको बताएंगे? वो सामने वाली औरत वो भी वो मन में सोचती कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, मैं आई हूँ डॉक्टर से सलाह लेने और ये किन से मुझे सलाह दिला रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर के सामने आए हैं तो सुनना तो पड़ेगा। तो वो औरत ने बोलना शुरू किया कि मैडम जी मैं भी आपकी तरह ही दुखी थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले मेरे पति की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसी के एक सप्ताह बाद मेरे बेटे की एक बीमारी में डेथ हो गई। मेरे जीने के दो तो पिलर थे, वो दोनों पिलर खत्म हो गए, अब मैं किसके सहारे जीऊँ? तो मैं भी खुद मर जाना चाहती थी, मर जाऊँ जिंदगी खत्म कर लो और ये अभी मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं जीने मरने के लिए तरीके ढूंढ रही थी किस तरह से मरूं। और एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कहीं से मेरे पास आ गया और मैंने उसको पीने के लिए थोड़ा सा एक प्लेट में दूध दे दिया। दूध पीकर बिल्ली का बच्चा आकर के मेरे पास आकर के मेरे पैर चाटने लगा और मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे लगा कि अगर मैं एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को
हेल्प करके इतनी खुशी पा सकती हूँ, तो मैं और लोगों को मदद करके क्यों ना खुशी पाऊँ। तो मैंने उसी दिन से मेरे आस पड़ोस में जो रहते थे, जो बीमार लोग थे, जिनको कोई ना कोई तकलीफ थी, उन सबको हेल्प करना चालू किया। और उनको हेल्प करके वो लोग तो खुश होते थे, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती थी, और मैंने वो खुशी कमाना चालू कर दिया। हाँ, हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता था, मैं लोगों की मदद करती थी, और इसी तरह से मुझे खुशी मिलती है और आज भी मिलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझे कुछ बात को कि ये खुशी कहाँ से आई। खुशी हमारे अंदर ही होती है दोस्तों, उसे कहीं बाहर ढूंढना नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों में खुशियों को ढूंढते हैं। मेरे पास ये गाड़ी है, उससे बड़ी आ जाएगी तो खुशी। मेरे पास साइकिल है, स्कूटर आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे पास स्कूटर है और गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे पास ये है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये है, उसी में हम लोग दुखी होने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जो है उसी में खुशी हम नहीं ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने सिंपल 3H 3H फॉर्मूला एक बनाया है, जो आप लोगों को अप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली खुशी को पाओगे। पहला है एच। पहला एच, एच मतलब हार्ट। अगर कुछ भी सोचना है दोस्तों, अपने हार्ट से सोचना, दिल से सोचना। दिमाग से सोचने पर खुशी नहीं मिलती है, दिमाग की सोची हुई खुशी कायम रहती नहीं। अगर दिल से कोई निकला तो वो खुश रहोगे। सेकंड वाला जो एज है वो है हेल्प। हेल्प मतलब अगर दिल से अच्छा सोचोगे और किसी को हेल्प करोगे तो आपको उनकी जो दुआएं मिलेगी वो आप बता नहीं सकते कैसे कितना काम करेगी। और जो दो एज पे काम करेगा जो बंदा हार्ट और हेल्प से, उसको तीसरा वाला जो एज है वो ऐसे ही मिल जाने वाला है, वो है हैप्पीनेस। अगर आप दिल से किसी की मदद करने का सोचोगे और अगर आपने उनको छोटी सी भी एक हेल्प कर दी, तो आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी दोस्तों, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसको आपको खुद को करके ही देखना होगा। एक छोटी सी हेल्प बिना किसी अपेक्षा के आप करके तो देखिए दोस्तों, आपको कितनी खुशी मिलती है। किसी को भी, ऐसा नहीं कि हम पैसे से ही मदद कर सकते, हम किसी भी तरह से लोगों को हेल्प कर सकते। एक छोटी हेल्प, अगर किसी को एक रास्ता क्रॉस करना है और नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको रास्ता क्रॉस करवा देंगे। अगर किसी को कहीं जाना है और वो कोई उसके पास व्हीकल नहीं है, तो हमको उसको लिफ्ट दे के हम उसको समय पे पहुंचा देंगे। तो भी एक छोटी छोटी खुशियों में आपका दिल को बहुत खुशी मिलेगी। आप करके देखिए, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जियो जी भर के, जी भर के, जी में भर के नहीं जीना है, जी भर के जीना है दोस्तों। अगर जी भर के जियोगे तो आपकी लाइफ एंजॉय करोगे, आप निकालोगे नहीं दिन। इसीलिए कहते हैं लिव लाइफ किंग साइज, हमेशा खुश रहो दोस्तों। ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही बात को सुनने के लिए, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी स्टोरी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन आपको इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, और इसको शेयर या फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने अच्छी बात सुन ली, अगर आपके फॉरवर्ड से किसी दूसरे की लाइफ में खुशी आती है, तो वो खुशी आपको ही ज़्यादा खुशी देगी। ये है कुदरत का नियम है, अगर आप कुदरत को एक देते हो, वो लौटा के 1000 गुना हमको देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और ऐसी बातें सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वंस अगेन।